इसकी भी शिलिंग हुई हुई है, ये देख लें बेडरूम की वाला हिस्सा शिलिंग हुई है। अभी इसको इधर पंखा लगाना है, ये टोटली ये इधर से देख लें टोटल कलर हुआ। नीचे ये भी लगा हुआ है और ये इधर भी मार्बल लगी हुई है, ये चादर लगे हुए हैं बल्लफ और इसकी छत भी छिलेंगे है। इसके यहाँ तीसरा रूम, इधर जो है संदूकें पेटियां रख दी हैं, इन पर कपड़ा जो कलर, रात अमीना बोल रही थी कि ये कलर करवाना है, ये बारिशों की वजह से ना इसका जो कलर था वो उतरा हुआ। ये बरामदा, ऐसे बरामदा है खुला माशाल्लाह। ये जो है ना ये बहुत बड़े बड़े हैं, वो नीचे वाले छोटे थे, ये बड़े बड़े। अच्छा शायद वेनी पे ही ये दरवाजा उधर से कमरे का और ये बाहर से ऐसे कपड़ा लगा हो, इसका भी दरवाजा कमरा भी है और किचन भी है। ये देख लें ये भी बड़ा है, तो इसकी विंडो भी है और वो मेन गेट, इसके साथ गली आ गई, गली से अंदर इंटर। और ये कमरा भी अगर कोई बनवाना चाहे तो इसका ये है, मतलब कि हम अगर इसके ऊपर भी बनवाना चाहे ना, ये इतनी फुल मजबूत बनी हुई है कि इसके ऊपर भी बना के दिया है, बाकी रहता है 15 लाख, तो इंशाल्लाह वो देना है हमने 11 महीनों की किस्तों में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों के साथ देना है। तो आप सब देना, दुआ ज़रूर करनी है। और सब उन बहन भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमारा साथ दिया, तो हमने ये लिया। बाकी आप सब बहन भाइयों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए दुआ की कि अल्लाह पाक हमें अपना घर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख आप सब ने देख लिया। और आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये घर। अस्सलाम वालेकुम डेरा दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां दूर फरमाए, बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग हो गया है स्टार्ट क्योंकि क्लोजिंग टाइम है दफ्तर का, और ये बंदा जो खड़ा है इस बंदे ने मुझे बहुत लेट करवाया है, हर रोज मुझे लेट करवाता है, रात को अंधेरा हो जाता है मुझे वीडियो भी नहीं बनती। आप लोग इसको कमेंट्स करके बोल दो कि भाई जल्दी मुझे छुट्टी दे दिया करे, जल्दी से इसको काम अपने निपटा लिया करे। आज देखे एक मौलवी साहब इधर आया हुआ है, वो देखे प्रिंटर की वो तोड़ो फोड़ो कर रहा है सब कुछ, आप जल्दी करो बंद करो यार, हमें घर भी जाना होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग इधर बैठे रहते हो। तो जी दोस्तों आज कई वीडियो स्पेशल होने वाली है, आपने फुल वॉच करनी है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइबर मेरे रुक चुके हैं। तो आज जो है हम करवाएंगे होम टूर, घर का जो है पूरा विजिट करवाऊंगा इंशाल्लाह आप सबको, और आप सबने साथ रहना है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो चलते हैं फिर इसकी अब क्या बोलूं यार, ये बंदा ना मेरे अधे बाल कर गए हैं आपकी वजह से, इतनी लेट करवा देता है, मैं हर रोज बोलता हूँ भाई जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन ये बंदा है मानता ही नहीं है। अब देखो उसके ऊपर खाड़ गया है, जगह तो दे ओ मौलवी साहब, मेहरबानी करो जगह दे दो यार, वो कहता है आज इधर ही सोना है बस, वीडियो लगता है मेरा होम तो इधर ही बनेगा, इतनी देर में ये तो अंधेरा करवा देगा। तो कोई बात नहीं, रहना है आपने साथ, जो भी होगा वो आप लोग उसे शेयर करेंगे। तो जी दोस्तों मैं पहुंच गया घर, और घर इधर जो है सब तब्दीलियां हो गई हैं, सफाई हो गई है, और इनके काम देखें ये सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत कैसी है, अल्लाह का शुक्र है, गर्मी लगी हुई है, गर्मी डाढ़ी लगी है, इधर गर्मी है, हाँ जी एकदम पक्का 14 14, ये तो है गर्मी बहुत ज्यादा है इधर। और अब्बू को देखो कपड़े उतार के बैठा हुआ, यार कपड़े उतर गए न्यू घर में आते ही, उधर भी तो उतारे हुए थे इधर भी उतार लिए। पप्पू क्या बोल रही हो, मैं क्या साल पहुंच गया कपड़ा लाना था, क्या साल पहुंच गया कपड़ा लाना था, क्या सर साल पहुंच गए, उसका क्या मतलब होता है बुजी बताएं, साल पहुंच गया कोई पता है नहीं पता। अच्छा फिर आज का दिन कैसा गुजरा आप सबका, आज तो हाल ही तो सारा दिन असा तो नहीं गुजरा बैठा रह गए, बाकी घर वालों ने काम किया सारा दिन बच्चा काम करते रहे, सारा दिन तो सामान सेट करेंगे। सही सही, अमीना सुनाओ कैसा रहा, क्या आज इसका मीटर खराब है,
आज इसका मीटर शॉर्ट है। और भाई जान आप ये क्या पंखे उठाए हुए हैं? चलो ले जाओ, ख्याल करना वो बाइकों का, मोटरसाइकिल चलती है ना वो सब, ना ले जाओ फिर इधर ही खड़ी कर दो। तो ये पंखे को क्या हो गया है? अच्छा इधर अभी ये तो सुबह आपने बोला था, अभी अब लगा रहे हो? सुबह एक बार था, मैं वो तार नहीं मिली थी। अच्छा केबल चाहिए था। अच्छा साथ जो होती है ना ये छोटी होती है, अच्छा। फिर कनेक्शन बॉक्स तक पहुंचाने के लिए इसके साथ और जोड़ के ले जाने। अच्छा साहब लगा दी फिर, अब ले आए हो? जिनकी स्पीड ठीक हो ना, मैं कह रहा हूँ कुछ पंखे इनमें ऐसे हैं बिल्कुल रिंग पे रहते हैं। रिंगने वाले फिर वो कमरे में उधर लगाना है, जो तेज चलते हैं वो इधर लगाने हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ पे लगा हुआ था? सही सही। अच्छा वो ये पूछना था कि होम टूर करा दिया आपने या मैं करा दूँ? नहीं कराया, कल कराना है होम टूर। मैंने अपनी वीडियो में मैंने शुरू में मैंने वीडियो में स्टार्ट भी कर दिया है कि मैं आज होम टूर कराऊंगा। होम टूर मैं सुबह कराऊंगा, बाकी ये जो सेटिंग वगैरह की है सब कमरों की। हाँ ये तो सामने दिखाई है सेटिंग वगैरह, सेटिंग ऊपर वाला भी दिखा दिया है मैंने। चलो जैसे यहाँ का सिस्टम है वो मैं शुरू कर देता हूँ दिखाना। आप आज होम टूर करा दो। हाँ मैं करा देता हूँ। परी हाँ इधर देखो, इधर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। हाँ क्या कर रही हो, खेल रही हो? हाँ जी खेल रही है, क्योंकि ये तो है फर्श साफ सुथरा है तो मिट्टी नहीं है। शुक्र है कि अब इनके कपड़े जो है साफ रहेंगे, नहीं तो फिर कपड़े इनके बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होते, गंदे कर देती। अच्छा शैगनर वेनी पी, ये कह रही है कि पक्षी जो है रो रही है, वो उधर जा रही थी बाहर घर से, तो पुप्पो ने इसको अंदर भेज दिया वो जवेरिया ने कि अंदर आ जाओ, तो फिर रोने लग गई, इसलिए ये बता रही है ऐसे। उत्ते चढ़ गए सू, क्या करे सू चढ़ते, उत्ते चढ़ गए सू। अच्छा उत्ते चढ़ते समूह सी, दरवाजा खुला पे। हाँ कहती है कि वो दरवाजा खुला हुआ है, उधर से नजर आ रहा है ना, ये देखें, कहती है वो खुला हुआ है, ये खुला खड़े। ओ आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश। तो जी दोस्तों अब स्टार्ट करता हूँ मैं घर का विजिट, जो जो है वो आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे मेरी बात जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो शुरुआत ये है मेन गेट, ये है और इसके बाद ये मेन गेट हो गया, ये इधर हमने ड्रम खड़ा कर दिया, ये ऐसे, तो ये सहन है आगे इधर, ये और पीछे, और ये हो गया पानी वाला खुरा जहाँ बर्तन वगैरह धोने के लिए बेसन, ये वॉशरूम, और ये ऊपर ऐसे, ये मेन गेट के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, ये देखें वो ऊपर, वो देखें वो उधर से, वो भी जगह बनी हुई है इधर से, ऐसे ऊपर चढ़ जाओ ना इधर से, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ये है। और ये सामने फ्रंट, ये इधर देखें, ये है फ्रंट, तो ये ऐसे, ये सीढ़ी, और ये सीढ़ी। तो जी ये है बैठक का दरवाज़ा अंदर से, ये है अंदर बैठक, ये सामान तो हमारा सोफे वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ये मतलब ये अब ये देख ले, वो बाहर से गली का दरवाज़ा, और ये बैठक का ऊपर वाला हिस्सा, शिलिंग हुई है अभी, इसको इधर पंखा लगाना है, ये टोटली इधर से देख ले, टोटल कलर हुआ है, और इसके नीचे भी मार्बल लगी हुई है,
ये देखें ये सब, अभी सामान इधर खड़ा है, ये बाइक भी है, चार पाइयाँ भी पड़ी हैं, क्योंकि वो बेड नहीं है ना, सोफ़े जो होते हैं बैठक में रखने के लिए, सोफ़े कुर्सियाँ वो नहीं हैं, तो फिर ये रख दिया। तो ये ऐसे सिस्टम हो गया। अब चलते हैं फिर इधर से, ये बैठक हो गई, बैठक से आगे ये फ्रिज की जगह इधर लगा हुआ है, ये मेन स्विच। तो इधर जो है उनका UPS लगा हुआ था, ये निशान है, हमने तो ऐसे बस बंद कर दिया। और ये फ्रिज खड़ी कर दी, और ये हो गया किचन। ये जी माशाल्लाह से ये है किचन, किचन की जो है ये आउच सेटिंग कर दी है इन्होंने, ये ऊपर डब्बे वगैरह भी लगे हुए हैं ये सब। और ये पानी वाला, और ये टोटली जो है नीचे ये भी लगा हुआ है, और ये इधर भी मार्बल लगी हुई है, ये चार्जर लगे हुए हैं बल्लफ, और इसकी छत भी शिलिंग है, इसकी छत भी शिलिंग हुई, ये देखने ये भी शिलिंग हुई हुई है। तो ये हो गई किचन। इधर से ये दूर से आपको दिखा दूं, ये देख लें, ये हो गई किचन। अब इसके साथ ही ये एक दरवाज़ा है, ये एक कमरा है, और ये है बंद, क्योंकि जिससे मकान लिया है उसका सामान जो है कुछ इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कराई थी ना जल्दी के यार, हमें जल्दी काम के तो जल्दी की वजह से उसका अभी घर उधर तैयार हो रहा है, और ये सामान जो है इसका इधर उसने रखा कि मैं बाद में उठा लूँगा, कुछ महीने लग सकते हैं, एक महीना लग सकता है, दो महीने लग सकते हैं, तो ये बाद में उठा लेगा। तो ये कमरा अभी उसका सामान है, और ये हो गया दूसरा कमरा, ये समझ लें कि बेडरूम, मेरा बेडरूम। ये सबसे पहले AC का आप पूछेंगे, तो ये AC जो है ये है मालिक मकान का, जैसे उसने सामान उधर रखा हुआ है, ये तो ये AC भी उसने कहा कि अभी मैं जो है नहीं इसको उतारता, मैंने कहा इसको जो है इनर को और ऊपर आउटर ये ले जाना, ये जो बीच में तार लगी हुई है ये ना निकालना, क्योंकि अगर ये निकालेंगे तो इसकी जो ऊपर ये छत है ये सारी टूट जाएगी। तो ये हो गया, इसकी भी शिलिंग हुई हुई है, ये देख लें बेडरूम की, ये शिलिंग, और कलर इनका भी इसका भी हुआ है, और AC चालू है। मैंने कहा चलो जितने देर तक उसका घर नहीं तैयार होता तब तक तो इस्तेमाल कर लें, बिजली का तो ठोका लगेगा, लेकिन ख़ास कल से तो नहीं चलाया, किसी ने भी नहीं चलाया ये। और ये जो है चार पहियाँ आज जो सेटिंग की, ये हमारी अलमारी जो पहले वाली, और इधर भी मार्बल लगी हुई है इस कमरे में। तो ये है बेडरूम, ठीक हो गया। और इसके साथ ऐसे बाहर निकलो तो ये इसकी विंडो, ये हो गया, और आगे आ गया जी, ये है तीसरा कमरा, मतलब एक वो किचन के साथ एक बेडरूम, और फिर तीसरा कमरा ये है। ये कमरा भी अभी पंखा लटकाया हुआ है, अंदर फिट कर दिया, बाहर नहीं जा रहा। अच्छा, इसको उस कर दूसरा की तरफ रुख कर लो ना, ऐसे ये ऐसे, हाँ अब ले जाओ चला जाएगा। तो ये हो गया तीसरा रूम। इधर जो है संदूकें पेटियां रख दी हैं, इन पर कपड़ा रख दिया है। तो ये जो है इसका पेंट कलर जो है, लेकिन इसकी छत जो है वो शिलिंग नहीं है, ये तीसरे कमरे की, ये देख लें इसकी छत ऐसी है। तो ये हो गया तीसरा कमरा, ठीक हो गया तीन कमरे। और ये गैलरी हो गई, इधर से सीढ़ी, इसकी ये विंडो हो गई इस कमरे की। तो ये जो है बाहर का निज़ाम, और ऐसे देख लें ये है, मैं फ्रंट के इस कमरे के पास ही खड़ा हूँ सामने, इधर से ये हो गया, और इधर से ये सामने सब, ये देख लें। और इसकी जो कलर, रात अमीना बोल रही थी कि ये कलर करवाना है, ये बारिशों की वजह से ना इसका जो कलर था वो उतरा हुआ है। तो ये हो गया टोटली ऐसे घर, ये देख लें। तो ये छत इसकी बरामदे की, और इसके बाद जो है ये लगी हुई है मोटर, बिजली का बटन इधर लगा हुआ है, और ये इधर का पानी मतलब, और ये है सीढ़ी। हाँ ऊपर गए थे क्या करना है, दही भले देने, चलो ठीक है आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऊपर चलते हैं फिर, अब
यहाँ भी सीढ़ी पर भी मार्बल लगी हुई है, ये देख लें ये सीढ़ी, और ये नजर बटू रखा हुआ है। ये आ गई सीढ़ी, ये थोड़ी सी टूटी हुई है वजन की वजह से ना टूट गई, तो इधर से सीढ़ी से देख लें, ये देखें ये ऐसे देख लें, ये हो गया। अब इधर से सीढ़ी, ये नीचे का पोर्शन था, और अब जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर खैर खुला माहौल है, ऊपर इतना गर्मी नहीं है, तो नीचे का माहौल आपने देख लिया। और ये है ऊपर का, सीढ़ी से जैसे इधर से आओ ऐसे सामने, ये भी एक कमरे की जगह बची हुई है, मतलब कि ये सहन है, और ये आउटर लगा हुआ है एसी का, ये साथ में बरामदा टाइप माहौल, वो सामने सूरज, और ये जो है हमारा जो सामान था साइकिलियाँ वगैरह वो इधर रख दिए साफ़ करके, इनको बनवाना है क्योंकि बच्चों ने कहा टूट गई, तो ये जगह, ये जगह भी ऐसे, ये देख लें इधर से वो आ गई ऐसे सीढ़ी से, इधर से आओ ऐसे, और ये ऐसे जगह बनी है, इधर भी चार पहियाँ, दो चार पहियाँ लग जाएंगे इधर भी। और जो उस उधर से बताया था आपको वो ये था, ये देख लें, ये ऐसे जगह बनी हुई है इधर से, मतलब कोई सफाई वगैरह करने के लिए, या इसके दीवार के ऊपर, या इधर से इसी हिसाब से, फिर ये उनका सामान थोड़ा सा ये भी पड़ा है, तो ये हो गया, ये अबू का खारा हो गया। अभी ये समझे कि ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि अबू की टीवी जो है ख़राब है, उसको फिर वो कहता है कि मुझे नई लेके दो, सोच रहे हैं कि LCD ले लें उसके लिए, अच्छा लेके आना। तो ये ऐसे बंद हो गया, यहाँ से खुला हुआ है नीचे सहन, ये आ गया जी, पहले ये बरामदा, ऐसे बरामदा है खुला माशाल्लाह। ये जो है ना ये बहुत बड़े बड़े हैं, वो नीचे वाले छोटे थे, ये बड़े बड़े हैं, ये ऊपर पंखा लगाया हुआ है, और ये विंडो हो गई। तो इसका जो है ये इसका बरामदा टाइप है ना, इसका तो दरवाज़ा नहीं होता, बाकी जो है ये हो गया एक कमरा इधर, ये देख लें ये कमरा हो गया इधर, भाभी ने कलीन बिछा दिया है कपड़ा, और ये पेटी संदूकें ये सब लगा दिए हैं। इसकी छत भी ऐसे है, शिलिंग नहीं हुई और कलर भी नहीं हुआ, और इसके जो हैं दरवाजे विंडो भी नहीं है, मतलब ये उसने अभी बनवाया था जब हम ख़रीद रहे थे, उस वक्त इसने ये कंप्लीट किया था, बोला कि 17 लाख लग चुका है सिर्फ इन चीज़ों पर, ये ऊपर वाला जो हिसाब दिखा रहा हूँ 17 लाख इसका यही सिर्फ लगा हुआ है, नीचे तो और है, ये कलर भी नहीं हुए, और ये दरवाजे वगैरह भी इनके विंडो दरवाजे भी नहीं लगे, तो इतना खर्चा हो गया। तो जी ये कमरा हो गया एक इधर से, और फिर इधर से आओ तो ये इसके साथ वाशरूम, ये भी इसका टोटली ऊपर सिर्फ कलर वगैरह रहता है, बाकी ये मार्बल वगैरह इधर सब कुछ ये लगा हुआ है। ये दरवाज़ा उधर से कमरे का, और ये बाहर से ऐसे कपड़ा लगा हो, इसका भी दरवाज़ा नहीं है ना, तो ये फ्लश हो गया, ये नहीं सॉरी बेसन हो गया, और ये वैसे सामान, और ये पानी वाला खुरा इधर जो है नीचे वाला, सब इसकी जो पाइप लाइन है पानी वाली जो भी है, जो भी लाइन है ना वो अंडरग्राउंड है, बिजली की भी और पानी के पाइप लाइन भी। हाँ जी बाबा, हाँ देता हूँ। तो ये हो गया जी खुरा पानी वाला, इधर भी मार्बल लगी हुई है, ये देखें ये इधर से पानी, और इसके साथ ये हो गया दूसरा कमरा, ये कमरा भी है और किचन भी है, ये देख लें ये भी बड़ा है, तो इसकी विंडो भी ये देखें ऐसे लगी हुई है, दूसरी विंडो शीशा वगैरह जो होता है वो लगेगा, इसका भी दरवाज़ा नहीं है, ये देख लें ये, हाँ आता हूँ देता हूँ। तो ये इधर सामान जो है इन्होंने रख लिया, ये देख लें ये, और ये जो है ये किचन है इनकी, इधर ये सारी, इसके ऊपर भी मार्बल लगी हुई है, ये पानी भी इसका टूटियों का चलता है, ये देख लें इसका भी पानी है ये, और नीचे भी जो देख लें इसका, ये डब्बे लगने हैं, ऊपर मार्बल लगी हुई है लेकिन नीचे डब्बे लगने हैं, बस इसका थोड़ा सा काम रहता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करवा लेंगे। तो अभी जो है ये हो गई किचन, इसकी भी छत ये देख लें, इसको कलर करवाना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपने देख लिया, ये सब, ये कमरा हो गया, हाँ देता हूँ। तो ये दो, एक कमरा, दूसरा कमरा, और ये बरामदा, ये हो गया।
ये है ऊपर का निज़ाम। और इधर से ये देख ले, ये है ऊपर से, इधर से ये देखें, वो सब सो रहे हैं, वो देख लें, ये ऊपर का छत से। इधर हवा तो लग रही है, नीचे हवा थोड़ी कम लगती है, इसलिए ये जगह जो है छोड़ी हुई है। ये देख लें, ये नीचे वो सोए हुए हैं। और वो मेन गेट इसके साथ गली आ गई, गली से अंदर इंटर, और ये कमरा। तो ये है सब घर। और ये जो लोग हैं ये नहा के आ गई। ये कौन सा टाइम है नहाने का? नहीं सुबह के ना क्या सुबह करते 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 हम वेले हुए थे, बहुत गर्मी थी, मैंने सोचा भी अभी अभी धान। अच्छा नहा लिया, तो सेटिंग वगैरह कर ली अपनी? हाँ जी कर ली। हाँ जी, तो जी ये हो गया है। इसके ऊपर भी अगर कोई बनवाना चाहे तो इसका ये है, मतलब कि हम अगर इसके ऊपर भी बनवाना चाहे ना, ये इतनी फुल मजबूत बनी हुई है कि इसके ऊपर भी बन सकती है, तीसरी मंजिल बनी बन जाएगी। ये देख लें, ये हाँ क्या बोलो आप? दही भले कहाँ से मिलते हैं? इधर से तो नहीं मिलते हैं, अड्डे से मिलेंगे, वो मैं खुद ले आता हूँ ना, आप कैसे जाओगी, मैं ले आता हूँ, ठीक है? हाँ तो जी ये है बाहर का माहौल जो आपने देख लिया। वही इधर तो हवा भी अब चल रही है, हवा लग रही है, नीचे नहीं लग रही, इधर हवा लग रही है। हाँ नीचे जो है रात रात भी बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो तकरीबन कोई 12 का टाइम था, तो इतनी गर्मी हुई ना नीचे बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि अब जैसे कैसे ना बैटरी का कोई करते हैं हल, कि बैटरी वगैरह होगी तो चलो पंखा तो चलेगा, एक वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उधर। तो ये जो है ये तो जी ये है अब ऊपर का फुल पोशन, ये है, ये देख लें, ये हो गया बरामदा, इसके साथ कमरा, वाशरूम, इसके साथ वो पानी वाला खुरा, और इसके साथ ये किचन भी समझे, बड़ा कमरा भी समझे। ये है सब इधर से, ये टोटली हमारा है घर जो हमने लिया है 40 लाख का, 25 लाख दे दिया है, बाकी रहता है 15 लाख, तो इंशाल्लाह वो देना है हमने 11 महीनों की किस्तों में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों के साथ देना है। तो आप सब देना, दुआ ज़रूर करनी है। और सब उन बहन भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे हमारी हेल्प की, हमारा साथ दिया, तो हमने ये लिया। बाकी आप सब बहन भाइयों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए दुआ की कि अल्लाह पाक हमें अपना घर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें अपना घर मिल चुका है। जैसा भी है नीचे सही है, अब ये भी है, ये ऐसा ऐसा सेट करवा लेंगे। तो पहले तो है इसकी किस्तें उतारेंगे, जो है 15 लाख की वो किस्तें देंगे, उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि जो सिस्टम है वो सेटिंग वगैरह वो फिर बाद में करवा लेंगे, अभी जो यानी ज़रूरत की चीज़ है वो करेंगे, ज़्यादा फालतू नहीं करेंगे। तो आप सब बहन भाइयों का, उन ख़ास तौर पर उन बहनों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन माओं का शुक्रिया जिन्होंने मेरी हेल्प की और मैंने ये घर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घर अब हमारा हो चुका है, और स्टाम्प जो है वो आज लिखवाना है, जो स्टाम्प कागजात वगैरह वो मुझे इसकी मलकियत के मुझे मिलेंगे, वो स्टाम्प भी लिखवाएंगे, और फिर जो है उस पर लिखेंगे कि हाँ भाई इसने इतने काल 40 लाख का दिया है, 25 लाख हमें दे दिए, 15 लाख इसने किस्तों में देने हैं, तो वो लिखवाएंगे स्टाम्प आज। बाकी ये हो गया मुकम्मल विज़िट, आप सब ने देख लिया, और आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये घर, ये भी नीचे वाला भी, और सेटिंग जो लगी हुई है की हुई है वो भी बता देनी है, क्योंकि हमारे तो नॉर्मल ही सामान था जो हमने रख दिया, जैसे बड़े लोगों के बड़े होते हैं वो हमारे तो नहीं है। बाकी रह गया 2 बेड जो बनवाने दिए थे, वो भी इंशाल्लाह उठवा लेंगे, अब पहले तो घर नहीं था, वो उसको उठवा लेंगे, वो फिर एक भाई वालों का है हमारा, तो वो फिर देखेंगे कहाँ रखना है। बाकी सिस्टम ये हो गया, ये आप सब ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि घर कैसा है, आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप सब ने बोला था कि होम टूर करवाओ, तो आज मैंने आप सबको पूरा घर दिखा दिया है। तो जी दोस्तों मैं चला गया था वो पुराने मकान पर, उस मालिक ने बोला कि आओ इसकी चेकिंग करवाओ, जो चीज़ ख़राब है वो देखो, तो वो फिर दिखाई, वो फिर बोला कि जो चीज़ें ख़राब हैं तोड़ी हुई हैं ये हमें दोबारा बनवा के दो। तो वो मैंने कहा चलो कल मिस्त्री फिर लगवाएंगे, वो जो चीज़ें हैं टूटी हुई वो बनवा देंगे। बाकी दूसरा इधर का जो है वो भी, और आप पूछ रहे थे मैं उधर गया था
जो पुराना मकान है ना, मालिक आया था, बोला कि आओ आकर चेक करवाओ। वो फिर तसल्ली से उसको दिखवाया, दिखा के फिर आया वापस। अभी आया हूँ। नहा लिया? हाँ जी। क्यों? दूसरे वो ही घर देखने गया थे। नहीं, जहाँ रहते थे उसी घर को दिखाने गया था। वो चीजें जो टूटी हुई हैं वो दिखाने गया था। आप लोगों ने जो तोड़ दी थी वो वाली। हाँ, मालिक आ गया था। हाँ, जो चीजें उसकी टूटी हुई थी वो कहता कि वो बना के दो। मैंने कहा ठीक है, बनवा के देते हैं। हाँ भाईजान, अभी तक नहीं लगा? अच्छा, ये कितना पहला पंखा लगा रहे हो? समझ लें कि एक दिन में एक पंखा लग जाता है। हाँ, ये हमारा मिस्त्री ऐसा है कि एक दिन में एक पंखा लगाता है। हाँ, ये देखें, वो बाल्टी रखी हुई है नीचे बेंच, उसके नीचे चारपाई, चारपाई के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर बाल्टी, बाल्टी के ऊपर भाई, भाई के ऊपर पंखा, ये हिसाब हुआ है। अच्छा, वो बिजली का बिल आया हुआ है, मैंने तो देखा, मेरा तो झटका निकल गया। हाँ, पुराने मकान वाला जो इस्तेमाल करके आए हैं, उसका बिल आया हुआ है 15,000। मैंने नहीं गिरते, नहीं गिरते, तसल्ली रखें, कोई बात नहीं। ये तो हर महीने झटका देता है ना। आप चलो उधर से जान छुटी, अब इधर का जो है यहाँ की बिजली फिर करनी है कंट्रोल, ताकि यहाँ पर भी वो हाल ना हो कि फिर बिजली के बिल यहाँ पर ठोक ठोक कर आए। हाँ, सोलर भी, हाँ यहाँ पर यही हाल है। वो जो जो हमारा पुराना मकान जहाँ पर रहते थे रेंट पर, उसका आज बिल आया है 15,700 या 15,400, मतलब 15,000 से ऊपर हमारा उधर का बिल आया है। पिछले महीने 14,000, इस महीने 15,000। ये मैंने कहा हमें अलविदाई अच्छी दी है उसने, कि एक और भी चक्कर दे दिया। फिर अब फिर सोच रहा हूँ कि अब उसका बिल भरें या इधर खैरात करें। खैरात फिर, या फिर ऐसा करते हैं अभी टाफियां वगैरह लेकर बच्चों को बांट देते हैं, क्योंकि हमने तो दुआ मांगी हुई थी कि हम ना खैरात करेंगे तो नए घर जाएंगे, खैरात करेंगे। जब अब आ गए हैं तो फिर वो मानी हुई है, वो तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन बिल जो है ना वो होता है सरकारी मामला। हाँ, वो ना दे तो और जुर्माने जुर्माने, अब वो नहीं ना रोक सकते। हाँ, ये है, खैरात अपने इख्तियार में है ना। हाँ, ये कर सकते हैं, अल्लाह खैर करेगा, ये हो जाएगी, टेंशन ना। चलो चलो जी दोस्तों, ये थी हमारी सिचुएशन, और मकान का विजिट भी करा दिया, जो चीज़ था वो सब आपसे शेयर कर दी है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।